एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद आसिफ एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर से एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है एवरीवन, सो नाउ लेट्स लर्न द स्ट्रक्चर। तो आज हम स्ट्रक्चर क्या सीखने वाले हैं? स्ट्रक्चर है हमारा आज का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ये एस और ई एस कब ऐड करेंगे हम? जब हमारे पास सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और उसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस या ईएस ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और अगर प्लूरल होगा तो हमें एस या ईएस ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। अब इस स्ट्रक्चर का यूज कहां पर करते हैं वो समझ लीजिएगा। तो इसका यूज करते हैं जब हम रेगुलर एक्शंस की बात करते हैं, जब हम हॉबीज की बात करते हैं, जब हम लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बात करते हैं। अब ये रेगुलर एक्शंस क्या होते हैं? रेगुलर एक्शंस बोला जाता है ऐसे काम जो हम जिंदगी में रेगुलरली करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम हम करते हैं वो रेगुलर एक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, इन हिंदी में कैसे बोलते हैं? खेल प्लस ता है, लड़की है तो खेलती है, और बहुत सारे हैं तो खेलते हैं। पढ़ा प्लस ता है मतलब पढ़ाता है, पढ़ाती है या फिर पढ़ाते हैं। अब देखिएगा, मैंने कहा खेल प्लस ता है तो मैं क्या बोलूँगा? सिंगुलर है या प्लूरल है? खेलता है, ऑफ कोर्स सिंगुलर होगा। तो मैंने क्या कहा? प्ले। प्ले में क्या ऐड कर दिया मैंने? एस। तो क्या बन गया ये? प्लेज। और मैंने यहाँ लिखा टीच, टीच में मैंने क्या ऐड कर दिया? ई एस। तो क्या बन गया ये? टीचेज, यानी कि पढ़ाता है, टीचेज, बोलता है, स्पीक्स, नाचता है, डांसेस, आती है, कम्स। अब कौन आती है? वो आती है, तो शी कम्स। कहाँ आती है? हियर। तो क्या बोलूँगा? शी कम्स हियर। आप अंग्रेजी सीखते हो, You learn English, या फिर ऐसे बोलू You learns English? No, You learns English में बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि You तो plural subject है, और plural के साथ पे हम verb की first form में S या ES नहीं लगाते। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, I teach, वे गाना गाते हैं, They sing a song। और अगर मैं ऐसे बोल देता वह गाना गाती है तो She sings a song हो जाता। Got it? एनी प्रॉब्लम? सो ये तो क्या हो गए हमारे? पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं, अगर आपको नेगेटिव में जवाब देना है तो इस स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे। ठीक है, नेगेटिव में जवाब देने के लिए सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट। ये किस पर डिपेंड करेगा कि डू नॉट लगाएं या डज नॉट लगाएं? वो डिपेंड करेगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स पर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू नॉट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर मैं ये कहूँ मैं गाना नहीं गाता, तो आई तो प्लूरल में काउंट किया जाता है, मैंने पहले भी बताया है आपको। ठीक है, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। वो अखबार नहीं पढ़ती, तो शी सिंगुलर है, शी डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। वो खाना नहीं बनाती, शी डज नॉट कुक फूड। तुम प्रैक्टिस नहीं करते, यू डू नॉट प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट्स, आपको पॉजिटिव भी समझ में आ गया, नेगेटिव भी समझ में आ गया। क्या आप क्वेश्चन पूछना सीखना चाहते हैं? अगर आपको क्वेश्चन बनाना सीखना है ना, तो इस स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, क्या आप जानते हो? तो डू यू नो। क्या वो नमाज पढ़ती है? डज शी परफॉर्म द नमाज। क्या तुम चॉकलेट खाते हो? डू यू ईट चॉकलेट? लाइक दिस। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। सो होप गाइज, आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी समझ में आ गया, नेगेटिव स्टेटमेंट भी समझ में आ गया, एंड यू हैव लर्न दैट हाउ टू आस्क क्वेश्चंस ऑल्सो। सो अगर इस स्ट्रक्चर में अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में मालूम कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर वहां पर दिया जाएगा। ओके एवरीवन, और अभी इस स्ट्रक्चर को हम विद द हेल्प ऑफ एक इमेजिनेशन से सीखते हैं हम। तो इमेजिनेशन मैंने यहां पर लिखी है, इन दिस इमेजिनेशन यू आर टॉकिंग टू योर
आंटी, आप अपनी आंटी से बात कर रहे हैं किसके बारे में? अबाउट अ शॉपकीपर, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं वो देखते हैं। आप अपनी आंटी से कह रहे हैं, आंटी दिस शॉपकीपर रिप्स ऑफ हिज कस्टमर्स। अब यहाँ पे रिप्स ऑफ का मतलब क्या है? रिप्स ऑफ का मतलब होता है किसी को लूटना, जैसे ग्राहक को लूटना, रिप्स ऑफ कस्टमर्स यानी कि ग्राहकों को लूटना। तो इस इमेजिनेशन में आप अपनी आंटी को किसके बारे में समझा रहे हैं? एक शॉपकीपर के बारे में समझा रहे हैं। कह रहे हैं आंटी दिस शॉपकीपर रिप्स ऑफ हिज कस्टमर्स, कि आंटी ये वाला जो शॉपकीपर है ना, ये वाला जो दुकानदार है, ये कस्टमर्स को लूटता है। ओवर चार्जेस देन MRP, यानी कि MRP से ज़्यादा कौन चार्ज करता है? हाँ, शॉपकीपर। तो शॉपकीपर ओवर चार्जेस देन MRP, के शॉपकीपर जो है वो MRP से ज्यादा चार्ज करता है। सेल डुप्लीकेट थिंग्स, हु सेल्स डुप्लीकेट थिंग्स? यस, ही सेल्स डुप्लीकेट थिंग्स, वो नकली चीजें बेचता है। अडल्ट्रेट्स थिंग्स ऑल्सो, ही अडल्ट्रेट्स थिंग्स ऑल्सो। अडल्ट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज में मिलावट करना। आई नॉट बाय फ्रॉम हिज शॉप, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, आई डू नॉट बाय फ्रॉम हिज शॉप, कि मैं उसकी दुकान से नहीं खरीदता। बाय फ्रॉम साहिल्स शॉप, आई बाय द थिंग्स फ्रॉम साहिल्स शॉप, मैं तो साहिल की दुकान से खरीदता हूँ। ठीक है, ये इमेजिनेशन है, इस इमेजिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस इधर लिखे हुए हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुम आर यू टॉकिंग अबाउट? सोचिएगा इसका आंसर क्या दिया जाएगा, हुम आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोचिएगा। हाँ देखिए, यू आर टॉकिंग अबाउट शॉपकीपर, तो कैसे बोलेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉपकीपर। हु रिप्स ऑफ हिज कस्टमर्स, कस्टमर्स को कौन लूटता है? ऑफ कोर्स द शॉपकीपर रिप्स ऑफ हिज कस्टमर्स। डज ही चार्ज लेस, क्या वो कम दाम में सामान देता है? नहीं, ही डज नॉट चार्ज लेस, रादर ही चार्जेज मोर देन MRP, वो तो MRP से भी ज़्यादा पैसे लेता है। हु गिव्स ओरिजिनल थिंग्स, अब पूछा गया है तो ओरिजिनल चीज़ कौन देता है? ऑफ कोर्स कौन देता है, क्योंकि ये तो लूटता है, ये चीज़ों में मिलावट भी करता है, और हम किससे खरीदते हैं? साहिल से, तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो साहिल गिव्स ओरिजिनल थिंग्स, साहिल देता है ओरिजिनल थिंग्स। तो वेयर डू यू शॉप फ्रॉम, अब पूछ लिया गया है आप कहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो मैं कहूँगा आई शॉप फ्रॉम साहिल्स शॉप, मैं तो साहिल की दुकान से खरीदता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, अभी ये हमारा पांचवा या छठा स्ट्रक्चर्स था, आपने सीख लिया है। इमेजिनेशंस भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप में इम्प्रूवमेंट भी हो रहा होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो यू बेटर प्रैक्टिस एंड हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूले, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछें आप कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।